चलिए सो नाव इफ यू फोकस ऑन दिस कर कोई एक पैरामीटर ले लेते हैं हम लोग तो हम लोग फिफ्टी परसेंट लाइन को इंडिकेट करते हैं ठीक है सो ऑलवेज यू विल इंडिकेट द लाइन लाइन तो जो है वो इंडिकेट करता है आपका एफिनिटी सो ये आपका फिफ्टी परसेंट लाइन है सो नाव लेटेस्ट ड्रॉप परपेंडिकुलर तो नॉर्मल में क्या होगा नॉर्मल में फिफ्टी परसेंट कब आ रहा है परपेंडिकुलर तो नॉर्मल में जो फिफ्टी परसेंट है वो नियरली ट्वेंटी सिक्स एम एम एच जी में आता है ठीक है देन दिस वैल्यू इज कॉल्ड पी फिफ्टी सो नॉर्मल पी फिफ्टी Is 26 mmHg. है नहीं ये आपका नॉर्मल वैल्यूज ऑफ पी फिफ्टी है क्लियर बट yeah. आपका जो राइट सीट फोर्टी थ्री डिग्री सेंटीग्रेड में क्या हो रहा है तो फोर्टी थ्री डिग्री सेंटीग्रेड में वट इज हैिंग सो दिस इज ए राइट शिफ्ट राइट शिफ्ट का मतलब क्या हो रहा है टेम्परेचर बढ़ रहा है सो so, अब आपका पी कितने में हो रहा है सो पी फिफ्टी एट 43 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू कहते पाका पक्की 38 एट परसेंट या थर्टी एटका थर्टी एम एम एच जी ओके पीओ हो जाता है सो दिस इज ओके सी हियर नाउ फॉर द ब्लू कर ओके तो फॉर द ब्लू कर हम लोग क्या करेंगे एक टी फिफ्टी लाइन ड्रॉ करेंगे ओके ड्रॉ Okay. लाइन we'll ओके okay. so, जो आपका लाइन है इसको हम ब्लू में करेंगे बट नहीं हो रहा है तो डिलीट करेंगे एंड नया बनाएंगे ठीक है सो वी विल मेक ए विली लाइन वो एग्जैक्ट वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस को काटेगा तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं जो P50 है पी फिफ्टी हैक्का पक्की कहते इलेवन एम एम एच जी है कि नहीं तो जो आ रहा है हम वही डिस्कस करेंगे सो दिस इज इलेवन एम एम एच जी देख रहे हो तो इसका मतलब क्या है ये जो शिफ्ट है इस शिफ्ट को हम लोग क्या कहते हैं इस शिफ्ट को हम लोग कहते हैं राइट शिफ्ट एंड उस शिफ्ट को हम लोग कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट बुझे सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड एनी गुड एग्जाम्स इसमें आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है ओके सो दैट इज वाई प्लीज बी थर तो आपका मैंने एक केस में डिस्कस किया दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर बट अदरवाइज ऑल्सो हम लोग इसको अलग अलग कंडीशन के लिए डिस्कस कर सकते हैं क्लियर सो so ये हमारा कर्व है दैट वी आर डिस्कसिंग सो दिस इज द हीमोग्लोबिन एफिनिटी कर्व तो वाई हीमोग्लोबिन हैज वेरिएबल एफिनिटी बताइए वेरिएबल एफिनिटी का कारण क्या है बोले रिकॉल तो रिकॉल किया जाए दैट वाई हिमोग्लोबिन हैज ए वेरिएबल एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। जल्दी बताइए। जब रिसर्च है तो क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन चेंज करेगी या समीती करेगा? क्या क्या क्या? तो जब रिसर्च चेंज करता है तो जो क्वांटिटी होता है वो भी कड़ाई करता है। नो 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 मोग्लोबिन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन चार रिंग हैं, मतलब Each आप way. क्या बोलोगे इट हैज फोर ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट समझे तो इसलिए आपको ऐसे बोलना पड़ेगा ना नंबर टू इट कैन बाइंड ओके इट कैन बाइंड टू

Uh, आपका सीओ टू के साथ एसोसिएटेड है जब वो ऑलरेडी एसोसिएटेड है जब उसका ऑलरेडी कोई गर्लफ्रेंड है वो तुम्हारा प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट करेगा समझे कि नहीं सो लाइक इज ऑलरेडी एसोसिएटेड विथ सीओ टू सो दैट इज वाई ऑक्सीजन उसके लिए एक नया सबस्ट्रेट है एंड जब ऑक्सीजन लेगा तो उसे सीओ टू को छोड़ना पड़ेगा तो अब ये क्यों मैं छोड़ू सीओ टू को तो हीमोग्लोबिन विल लीव सीओ टू वाई समझ रहे हो तो इसीलिए आपका कंसेप्ट क्या है कि आप हायर टू देंगे ठीक है तो इसीलिए जब आप पीओ बढ़ाएंगे तो वो ओ टू को लोड करने का सोच सकता है कुछ तो दो नाउ सेकेंड रीजन क्या है the 8 has 4 or 2 binding sites okay so uh, the affinity of each site is variable okay affinity for each site is variable it depends upon पॉजिटिव को ऑपरेटिविटी ओके इट डिपेंड्स अपॉन पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी तो व्हाट इज पॉजिटिव को ऑपरेटिविटी पॉजिटिव फीडबैक है कि नहीं अगर पहला ऑक्सीजन लोड करेगा तो उससे क्या होता है वो आपका दूसरा ऑक्सीजन एफिनिटी बढ़ा देता है इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं पॉजिटिव को समझ में आया सो इट डिपेंड्स अपॉन पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी तो इसीलिए अगर कंडीशंस ऑटू बाइंडिंग का हो रहा है एंड अगर ओ पहला ऑटो बाइंड कर गया है तो एफिनिटी फॉर सेकेंड विल राइज अगर दूसरा बाइंड कर गया है एफिनिटी फॉर थर्ड ऑटो विल बी विल मोर एंड अगर तीसरा बाइंड कर गया है एफिनिटी ऑफ द फोर्थ ऑटू विल बी हाईस्ट अगर चौथा बाइंड कर गया है एफिनिटी फॉर द फिफ्थ विल बी जीरो वाई ऑलरेडी पूरा फुल हो चुका है yes. समझ रहे हो उसका ऑलरेडी एक्टिव साइड फुल आ गया मजा सो so, ये हमारा एक टॉपिक है फाइन दिस इज वन टॉपिक नाउ अनदर टॉपिक इसको हम लोग कहते हैं क्या सो दिस इज कॉल्ड योर बोर्स इफेक्ट जिस तरह क्रिस, आपके केमिस्ट्री में भी एक बोर है नील्स बोर उसी तरह बायोलॉजी में भी एक बोर है क्रिस्टियन बोर है कि नहीं तो उन्होंने इस कंसेप्ट को दिया था दैट इफेक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ टू डिसाइड करेगा कि ऑटो लोडिंग होगा या अनलोडिंग हो

Proposes that at at higher pCO2 at higher pCO2 there is unloading of oxygen and at lower पी सीओ टू देर इज लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन समझ रहे हो so, जब पीसीओ टू बढ़ जाएगा तो क्या होगा अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन होगा एंड जब पीसीओ टू घट जाएगा तो क्या होगा देर इज लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन अंडरस्टूड सो इसको हम लोग कहते हैं बोरसिफेट तो बोर इफेक्ट क्या कहता है कि दैट जैसे CO2 बाइंडिंग करेगा एफिनिटी फॉर O2 डिक्रीजेस ओके okay? जैसे आपका PO2 PCO2 कम हो जाएगा एफिनिटी फॉर CO2 विल डिक्रीज एंड एफिनिटी फॉर O2 विल इंक्रीज तो ये है बोर इफेक्ट ठीक है नाउ इन चिल्ड्रन या इन न्यूबोर्न और अनबोर्न चाइल्ड इन न्यूबॉर्न और अनबोर्न चाइल्ड ब्लड देर आर टू टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन ठीक है ए हीमोग्लोबिन फिटलिस ओके इसका सीक्वेंस क्या होता है अल्फा टू गामा टू ओके तो इसका सीक्वेंस होता है अल्फा टू गामा टू नाउ गामा सब यूनिट्स ओके तो गामा सब यूनिट्स डू नॉट बाइंड ओके गामा सब यूनिट्स डू नॉट बाइंड टू या गामा सब यूनिट्स जो है उसका हायर एफिनिटी होता है गामा सब यूनिट्स आप लिख सकते हो हैव हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन ओके तो गामा हैव हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन ओके देन

ए विच अल्फा टू बीटा टू मैं लिखूंगा उसको मैं हाथ से लिखूंगा क्योंकि वो इसमें नहीं लिखा जाता है फाइन सो so, हीमोग्लोबिन फिटल इसमें क्या होता है अल्फा टू गामा टू एंड जो गामा सब यूनिट्स है इसका एफिनिटी ज्यादा है देन द बीटा सब यूनिट्स बीटा सब यूनिट्स क्या होता है एडल्ट के पास एडल्ट के पास होता है अल्फा टू बीटा टू तो समझ रहे हो तो जो अल्फा टू बीटा टू है उसका ऑक्सीजन एफिनिटी अल्फा टू गामा टू से क्या है उससे ज्यादा है।, है कम है कम है सॉरी बीटा टू इज लेस यू नो व्हाई क्योंकि बच्चा जो है वो मदर के प्लेसेंटा से ब्लड लेता है प्लेसेंटा क्या है टिश्यू है तो टिश्यू में ब्लड ऑक्सीजन से ज्यादा होता है ना कम होता है बोलो टिश्यू में ऑक्सीजन कम होता है या ज्यादा होता है कम होता है हमें उस दिन ले टेबल कर ले परा सुनो so no, अगर आप वो सब पढ़ोगे नहीं पीछे वाला चीज तो आगे फिजियोलॉजी खत्म करना मुश्किल हो जाएगा भैया आपको पुराना टॉपिक याद होना चाहिए तो यू आर लकी यू हैव डेज डेज गैप गैप तो आप आराम से उसको रिवाइज कर सकते हो अब तुम चार दिन गैप में अगर भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना सो लाइक दैट तो इसलिए उसको ध्यान रखिए तो इसीलिए आपका जो गामा सब यूनिट है वो सी हाउ नेचर इज ग्रेट नेचर जानता है कि बच्चे को माँ के टिश्यूज से ब्लड लाना है तो टिश्यूज में ऑक्सीजन कम होता है तो अगर ऑक्सीजन कम होगा तो तुम्हें उसी में से लाना है तो इसलिए आपका जो है एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए नहीं तो कैसे ज्यादा से ज्यादा लाओगे है कि नहीं सो लाइक दैट तो इसीलिए तो समझ रहे हो सो so नाउ अब हम एक ग्राफ बनाएंगे किसका इधर तो समझ रहे हो तो ये आपका कंसेप्ट है देअर फोर देअर फोर इन द टिश्यूज मैटर्नल हीमोग्लोबिन विल हैव ए कौन सा शिफ्ट बोलो सीओ टू बढ़ रहा है डेर फो सॉरी लिख सकते हैं हम लोग इन द टिश्यूज ओके फिटस ब्रिंग्स ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लसेंटल बेड फाउंड इन द मदर्स टिश्यू

राइट शिफ्ट ऑफ कर्व सो देअ विल बी डैश क्या होगा तो वहां क्या होगा राइट right शिफ्ट करने का मतलब एसोसिएशन करना है ना डिसोसिएशन करना है सर डिसोसिएशन अफ टू वेरी गुड डिसोशन ऑफ ओ टू है कि नहीं तो देख रहे हो तो देट देर फॉर इन द टिश्यूज मैटर्नल हिमोग्लोबिन विल हैव राइट शिफ्ट ऑफ कार सो देर विल बी डिसोशिएशन ऑफ ओ टू फुल स्टॉक नाउ ओटू लेवल राइज कॉम फिटल हीमोग्लोबिन कर्व फिटल हीमोग्लोबिन कर हद से बढ़ रहा है तो पीओ टू इज इंक्रीजिंग तो पीसीओ टू इज डिक्रीजिंग तो बच्चे का कर्व कहाँ शिफ्ट करेगा बोलो लेफ्ट मो एसोसिएशन ऑफ ओ टू टू हिमोग्लोबिन एफ बुझ लो तो देखो कितना सुंदर फिजियोलॉजी है कितना सुंदर नेचर ने बनाया है कि टिश्यूज में माँ से बच्चा ब्लड लेता है इसीलिए इतना सुंदर हीमोग्लोबिन हमने बनाया कि माँ के केस में बोर कर्व का शिफ्ट कर रहा है राइट right. एंड बच्चे के केस में बोर कर्व का शिफ्ट कर रहा है लेफ्ट बुझला तुम यहां ध्यान दो ऑलवेज रिमेम्बर पी टू बढ़ने से कहां शिफ्ट होगा कर्व राइट एंड कम होने से लेफ्ट तो आप जब हम लोग सही है माँ रो रक्त भी अच्छी छुआर रक्त भी अच्छी है कि नहीं तो इसीलिए माँ के टिश्यूज में पी सीओ टू ज्यादा है तो जब माँ के टिश्यूज में पी सीओ टू ज्यादा है तो वहां मदर का कर्व कहाँ शिफ्ट करेगा राइट राइट शिफ्ट होने से लोडिंग होगा ना अनलोडिंग होगा ऑक्सीजन, अनलोडिंग हुआ तो अनलोडिंग होने से ऑक्सीजन टिश्यूज का सीओ टू बढ़ेगा ना घटेगा सीओ टू सीओ टू घटेगा घटेगा सीओ टू घटने से बच्चे का हीमोग्लोबिन कर्व कहाँ शिफ्ट करेगा लेफ्ट लेफ्ट होने से एसोसिएशन होगा ना डिसोसिएशन होगा एसोसिएशन आ गया मजा तो मम्मी लोग आपको ब्लैकमेलिंग करते हैं कि नौ मासे तो पेटरे पोसिली तो ते खुआईली पियाईली तो पई मु ऑक्सीजन ने कोन आयरन बटी का खाईली किंतु तू मते बे आखी देखो देखो के कुछ भी होगा ना मम्मी से झगड़ा मम्मी ऐसे ही बोलेगी बोलती है कि नहीं बोलो कभी मम्मी yes, का तो कभी मम्मी के झगड़ा करोगे ना तो ऐसे ही मम्मी गाली देगी तो आज मम्मी को थोड़ा बोर्स कर समझा देना बोला मम्मी जी आपने हमें कुछ नहीं दिया ऑक्सीजन फॉक्सीजन हमारा ऑक्सीजन एफिनिटी ज्यादा था इसीलिए हमने ले लिया तो जब हमने टिश्यू से ऑक्सीजन ले लिया पी सीओ टू बढ़ गया पीओ टू घट गया तो आपका बोर कर्व राइट शिफ्ट हो गया तो जब आपका बोर कर राइट शिफ्ट हो गया आपने ऑक्सीजन अनलोड किया जब आपने ऑक्सीजन अनलोड किया टिश्यूज़ में ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया तो मेरा बोर्स लेफ्ट शिफ्ट कर गया तो मैंने ऑक्सीजन उठा लिया तो इसलिए एक्चुअली आपने हमें नहीं दिया हमारा हीमोग्लोबिन उस लायक था बुझे तो सही पे इधर मदर्स करव इज ग्रेजुअली शिफ्टिंग टू राइट अब सपोज हम लोग एक नॉर्मल करव बनाते हैं सपोज ये हमारा वाई एक्सिस है एंड ये हमारा एक्स एक्सिस है क्लियर सो एक्स एक्सिस में हम लोग क्या ले रहे हैं पी सीओ टू ठीक है जी इन द एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग पी सी ओ टू एंड वाई एक्सिस में हम लोग क्या ले रहे हैं परसेंटेज सैचुरेशन ओके परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन ठीक है तो ये हम लोग वाई एक्सिस में ले रहे हैं अंडरस्टूड तो अब जो बच्चे का कर्व है वो एक्चुअली हीमोग्लोबिन कर्व वो क्या होता है एस शेप्ट है मोग्लोबिन एडल्ट बट जो हीमोग्लोबिन फिटस है उसका एफिनिटी ऑलरेडी ज्यादा होता है so वो पहले से ही लेफ्ट में यह है हीमोग्लोबिन है एफ तो नाउ सिंस हीमोग्लोबिन एफ इज लेफ्ट टू मदर उसका एफिनिटी ज्यादा है तो वो ऑक्सीजन ले लेगा जैसे ऑक्सीजन ले लेगा तो आपका सीओ टू लेवल बढ़ जाएगा तो जैसे आपका सीओ टू लेवल बढ़ जाएगा तो आप मदर का कर्व कहा शिफ्ट करेगा फर्दर लेफ्ट देखे ए, राइट तो मदर का कर्व शिफ्ट कर रहा है फर्दर राइट तो ऑक्सीजन और निकलेगा जब ऑक्सीजन और निकलेगा बच्चे का कर्व क्या होगा इट विल शिफ्ट लेफ्ट देख रहे हो तो इसीलिए आपको एक ही सिस्टम में तो ये दोनों कहा हो रहा है इन प्लसेंटा समझे कि नहीं तो प्लेसेंटा इस तरह का दिखता है ये आपका ब्लड वेसल है तो ब्लड वेसल के अंदर क्या होता है फिटल हीमोग्लोबिन तो सपोज ब्लड वेसल के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसको फिटल हीमोग्लोबिन कहते हैं एंड ब्लड वेसल के बाहर जो हीमोग्लोबिन होता है माँ का उसको एडल्ट हीमोग्लोबिन कहते हैं तो अब इन प्लेसेंटा आपको माँ का बोर कर भी दिख रहा है फिटस का भी बोर कर दिख रहा है सो दैट इज वाई इसको हम लोग क्या कहते हैं डबल बोर्स इफेक्ट ठीक है एंड ये इंटरडिपेंडेंट है देख रहे हो कि नहीं मैंने माँ देगी तो बच्चा का और लेफ्ट होगा और बच्चा का और लेफ्ट हुआ तो मां का और राइट होगा तो लाइक like दिस तो इस तरह चलता जाएगा कोई शाख टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क कभी पैक नहीं कर सकता मतलब होता ही जाएगा उनके इसीलिए मम्मी हीमोग्लोबिन क्यों खा रही है बोलो तुमको ऑक्सीजन देने के लिए ना अपना जान बचाने के लिए अपना जान बचा तब हम आया तो ये आज आप मम्मी को बोल देंगे कि जो आयरन आप खा रहे थे वो एक्चुअली आपको बचाने के लिए था हमें नहीं क्योंकि हम तो ले लेते तो नहीं जब पुराने जमाने में आयरन नहीं था तो लोग आयरन आयरन सब जमाने में था अरे इडियट केमिस्ट्री से पहले बायोलॉजी से पहले केमिस्ट्री था कि नहीं ताहले? तो टैबलेट नहीं होने से क्या हुआ पहले मम्मी डैडी लोग सागो मुगो खाते थे आजकल जो मॉडर्न लड़कियां हैं वो सागो मुगो खाना छोड़ दी इसीलिए जबरदस्ती आयरन बट्टी का खाना पड़ता है अंडरस्टैंड जो गंवार लेडीज थे ये जो गांव की जो लड़कियां हैं गाँव रे साग भजा थजा सब खाऊंट कि आमर सामिया सलोनिया नंदिता कौन खाऊ आलू आनीर आलू और पनीर छाड़ देख न खाई आयरन दे बटिका खा है कि नहीं तो इसलिए पहले जमाने में लोग साग सब्जी खा लेते थे तो उससे आयरन मिल जाता था आया समझ सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डबल बोर इफेक्ट ओके तो अब हम चले जाएंगे एक टॉपिक को दैट इज कॉल्ड गैस ट्रांसपोर्ट ठीक है चलिए सो so आप ये ये सब स्पेशल पॉइंट्स था अब हम लोग चले जाएंगे एक टॉपिक दैट इज कॉल्ड गैस ट्रांसपोर्ट ठीक है सो नाउ सपोज अब हम बढ़ाएंगे एक बड़ा सा आरबीसी सो दिस इज ए रेड ब्लड सेल ओके द सो so, हम लोग एक बड़ा सा रेड ब्लड सेल बनाते हैं फाइन नाउ so, अब तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या गैस ट्रांसपोर्ट इन द टिश्यूज तो टिश्यूज में क्या है हायर पी सीओ टू ओके तो अब आप आपका टिश्यूज में पी सी ओ टू हायर होता है तो, तो क्या क्या रिएक्शन होगा तो इसलिए सबसे पहले बाहर आपका फाइव टू टेन परसेंट सीओ टू मूव एज डिजॉल ओके मूवस एज डिजॉल्व गैस तो समझ रहे हो तो फाइव टू टेन परसेंट सी ओ टू मूव एस डिजॉल्व गैस तो ये रिएक्शन कैसे हो जाएगा आपका तो so, आप लिखेंगे एच टू ओ प्लस सी टू डबल हेडेड एरो टू सी ओ थ्री एरो प्लस प्लस एच सी ओ थ्री माइनस अंडरस्टूड तो ये आपका रिएक्शन बाहर हो रहा है एंड ये रिएक्शन को ओके दिस इज हैपनिंग आउटसाइड दी व्हाट इन द ब्लड प्लास्मा तो ये अंदर क्या है दिस इज द आरबीसी फाइन सो ये आपका रेड ब्लड सेल है ओके okay, एंड ये जो बाहर है ये क्या है सो दिस इज प्लास्मा ठीक है जी सो प्लास्मा में क्या हो रहा है पांच से दस बीस परसेंट सीओ टू मूव एज डिजॉल्व सेवेंटी परसेंट सीओ टू सेवेंटी परसेंट सीओ टू क्या होता है वो अंदर आता है ओके इट एंटर्स इन टू द आरबीसी तो सीओ टू ठीक है और यहां भी सेम रिएक्शन होगा प्लस एच टू ओके गेफ एच टू सीओ थ्री गेफ एच प्लस प्लस एच सीओ थ्री माइनस ओके okay? तो ये आपका सेम रिएक्शन हो रहा है ओके okay? नाउ, तो इसीलिए अब हम एरो से लाएंगे तो इसको हमें अंदर लाने के लिए एक शटल सिस्टम यूज करना पड़ेगा ओके okay? अब ये आपका सो नाउ दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड एंड दिस इज द केस तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा भाई क्या सेम ही चीज तो है तो यहां से होता है सो इनसाइड द आरबीसी वी है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एनजाइम जो इस रिएक्शन को एट द रेट ऑफ थर्टी सिक्स इंटू एक दो तीन एक दो तीन ओके मोलिक्यूल पर आवर uh, पर मिनिट कन्वर्ट करते हैं समझ रहे हो सो ये आप देख लीजिए पर एंजाइम ठीक है सो दिस इज द रिएक्शन एट द रेट ऑफ थर्टी सिक्स मिलियन मॉलिक्यूल यूनिट टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन लैक यूनिट टेन हंड्रेड थाउजेंड थर्टी सिक्स हाँ ठीक है एक दो तीन चार पांच छ सात तो ये थर्टी सिक्स मिलियन हो गया कि नहीं तीन तीन छे. तो थर्टी सिक्स मिलियन मॉलिक्यूल्स पर मिनट रिएक्शन कैटेलाइज होता है बट सेम रिएक्शन बाहर कितने रेट में होता है सो so बाहर यह रिएक्शन एट द रेट ऑफ 200 हंड्रेड मॉलिक्यूल्स पर आवर होता है ठीक है सो दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट 200 हंड्रेड मॉलिक्यूल्स पर आवर और थ्री पॉइंट सिक्स मॉलिक्यूल पर मिनिट सो नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बोलो अब इसका डिफरेंस समझ में आया कि सेम रिएक्शन जब करना था अंदर आने का जरूरत क्या था तो समझ रहे हो तो अंदर आने का जरूरत यह था कि आपका अंदर आने के लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि वी नीड वट एंजाइम सो दिस कार्बोनिक एंडहाइड्रेज एंजाइम इज द फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ योर बॉडी एंड डिफरेंस इन रेट कितना है टेन टू दावर सेवन